dívida, abrimos com o dele. जो ही मैं आज चुनाव जीत करके गया अपने इलाके की आवाज को चुनाना सरकार के सामने मैं उठाता था और वही घमंड और वही अहंकार भैया क्या मामूल सर पिता ये मेरी सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकता है। याद करो वो दिन मेरे भाई मेरे भतीजे हमारी बहू 6 महीने का हमारा पोता झूठे मर्डर केस में हमारा पोता जेल में अंदर मारा गया। फिर से फिर है आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम खड़े हैं सब पंजाबी विधायक के लिए इस इलाके के विधायक करण फिलहाल सभा को संबोधित कर रहे हैं। मुकदमे बने और तमाम इलाके के अंदर सरकार की एक ईंट लगाने का कारण बना दिया केवल इस बात पे नहीं दिया कि मैं इस कलंदर लाल को जिसको मैं धूल चटाना चाहता था इस इलाके में मेरी तोहीन की है। 5 साल हुकूमत रही एक काम हमारे पुराने पूरे के पूरे इलाके का चुनाला जी ने नहीं किया। एक चुनौती सामने थी कि अगर मैं इनके सामने घुटने टेक देता हूं दिनों और मेरे बुजुर्ग और भाइयों लड़ाई थानेदार की भी नहीं खेलती जाती आजकल सब हमें थानेदार से भी लड़ सकते जहां हरियाणा का तो एक डाकू जैसा मुख्यमंत्री था और उसकी ईट से ही बजाई और हरियाणा के विधानसभा में मैंने इसको कहा उनको कहा तो दादाजी आपने अपने आप में से गिर करके जो मेरे इलाके के साथ अन्याय कर रहे हो जो मेरे परिवार और मेरे साथियों के साथ आप अन्याय कर रहे हो आप कर रहे हो बदनीयति से लेकिन जो आप कुकर्म कर रहे हैं इस हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं हमारे जिला फरीदाबाद को फकीराबाद बनाने में लगे हुए हैं कारखानों को उजाड़ रहे हैं झूठे मुकदमे चाहे रेत के मामले हैं चाहे पहाड़ों के मामले थे चाहे ट्रक यूनियन के मामले थे सब तो रूप में लगे हुए थे। मैं चुनारा जी याद रखना जब वक्त आएगा पंजाबी सभा का यह पंडाल है जो कार्यकाल भरा हुआ है इनका चिट्ठा खोल कर बाहर भी लोग खुले मैदान में इसी प्रकार टीवी स्क्रीन पर दलाल का भाषण भी सुन रहा जहां हजारों पर्वत जिले के लोगों को भूखा पड़ना पड़ा उनको
लाखों लोगों को हरियाणा में आपने भूखा मरने को मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट का कानून है, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी कि अगर किसी का आधार कार्ड नहीं है तो उसका राशन से नाम नहीं काटा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, भारत सरकार की हिदायत थी। मैंने विधानसभा में मंत्री को घेरा कि मंत्री जी, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आधार कार्ड अगर नहीं दिया है तो आप राशन नहीं रोक सकते, भारत सरकार की चिट्ठी आपके पास आई हुई थी, तो आपने एक घिनौना काम क्यों किया? और आपने ऐसा करके आपकी इस हरकत ने तमाम हरियाणा को देश की नजरों में कलंकित कर दिया है। बस इस कलंक के ऊपर और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। हमें हरियाणा को कलंकित कह दिया कर्म ने। मैंने हरियाणा को कलंकित नहीं था, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हारे कर्तव्य ने हरियाणा को कलंकित कर दिया, जहां हमारे गरीब भाई अनाज और दाना पानी जो कानून के हकदार हैं उनके नाम राशन से काट करके आपने उनको इस सहूलियत से बेदखल कर दिया। तो सारे मंत्री शोर मचाने लगे। अभय सिंह चौटाला जी उस वक्त सदन के अंदर थे भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं था क्या मामला हो रहा। कैप्टन अभिमन्यु एक हिसार का बहुत भ्रष्ट मंत्री है, वो बाहर भाग करके गया और वहां जाकर के अभय सिंह चौटाला को सिखा करके लेकर के आया कि ये हमारी और तेरी सबकी जान को आया रहता है और इसने हमें घेर रखा है, इसको सदन से निकालना बहुत जरूरी बनता है ना आगे भी हमारी कोर्ट खोलेगा तो आगे कार्रवाई होगी। अभय सिंह चौटाला जी बड़े काम में आए और विधानसभा में आकर के जैसे ही बैठे कैप्टन अभिमन्यु जी खड़े हो गए और कैप्टन अभिमन्यु जी बोले कि मैं इस मामले में हम नेता प्रतिपक्ष की भी राय लेते। अभय सिंह चौटाला जी खड़े हो गए, चलो मैडम तुमसे कहता हूँ ये चार साल से तुम्हें रोज तंग करता है, तुम इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाओ, हम इसका समर्थन करेंगे और निकालो इसे हरियाणा की विधानसभा से बाहर। मैंने कहा, मैं कह जी जो अभय सिंह चौटाला जी ने जो कहा है मैं इनके दर्द को समझता हूँ, आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव चैट में नायकरण दलाल की स्पीच भाषण उनका पंजाबी धर्मशाला में डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रही है, इसलिए इनका वो दर्द है और ये मेरे बारे में इस तरह की बात कहेंगे, इसलिए मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानता। बस इसी बात पर अब ऐसे ही चौटाला जी आप ऐसे बाहर होते चले गए और इतनी तकलीफ आई कि जूता निकाल करके हरियाणा के उस न्याय के मंदिर में जहां 36 बिरादरी नुमाइंदों को इसलिए भेजती हैं कि अगर इस हरियाणा में किसी के साथ अनीति होगी, अगर किसी को न्याय नहीं मिलेगा, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव होगा, तो हमारे नुमाइंदे खड़े होकर के सरकारों को घेरेंगे, उनको एहसास कराएंगे। जिस देश को आजाद कराने के लिए लाखों करोड़ों हमारे बुजुर्गों और भाइयों ने जानों की कुर्बानी दी, जेलों में जीवन को सहाया, अपनी आजादी हासिल करने का यही सपना था कि हमारा अपना राज होगा, कोई अगर जाति करेगा तो हमारे नुमाइंदे वहां हमारी आवाज उठाएंगे। और आज उन न्याय के मंदिरों में अभय सिंह चौटाला जैसा एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी जूता लेकर के खड़ा हो जाए, और मैं आपकी मेहरबानी से पढ़ा लिखा हूं, हर तरीके से सारी बातों को समझता हूं, अखबारों में भी जैसे तमाशा बना हुआ है कि जूतम बैजारी विधानसभा में हो रही है, मैं आपसे और हरियाणा के भले लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर उस दिन मैंने जूता ना उठाया होगा तो तमाम हरियाणा देश के अंदर एक आवाज जाती कि भाई अभय सिंह चौटाला के डर के मारे किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं देना। कहा कि अगर मैं जूता ना उठाया होता अभय सिंह की हर बात का
जवान हजी कंजूर माने उसकी पार्टी के अपने विधायक संघ भारत में खड़े हुए कर उनके अंदर से ये आवाज आ रही थी कि ये पकड़ी और बेवकूफी कर रहा है, इसका हक बनता नहीं। मैंने कहा यार ऐसे क्यों डाला, तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं विपक्ष का विधायक हूं, तेरी मेरी सवाल डाली हूं, मेरा अगर तू कोई बिगाड़ सकता हो जरूर बिगाड़ना। मैं आज इस हरियाणा की विधानसभा में ना तो अपने लिए कुछ मांग रहा हूं, ना मेरे कांग्रेस पार्टी का कोई ये मुद्दा है जो कि मेरे अकेले कांग्रेस पार्टी का मुद्दा हो। मैं उन गरीबों की आवाज उठा रहा हूं जो तेरी पार्टी में भी है, मेरी पार्टी में भी है और बीजेपी में भी है। तुझे नेता प्रतिपक्ष हरियाणा की मेहरबानी से बना है मुख्यमंत्री से अगला दर्जा नेता प्रतिपक्ष का होता है। तुझे लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए तुझे तो मेरी आवाज में आवाज मिलानी चाहिए थी, और अगर तेरे बस की नहीं है, तूने अपनी गैरत को गिरवी कर दिया है बीजेपी की सरकारों को और तू बोल नहीं रहा है, और मैं समझ रहा हूं क्यों नहीं बोल रहा है। अपने बाप को जेल में से छुड़वाना चाहता है, अपने ऊपर चल रहे मुकदमों को पीछे हटाना चाहता है, इसलिए तूने अपने आप को गिरवी कर रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो तू अपनी गिरवी पड़ा रहे। भाई मैं आवाज उठा रहा हूं तो तू मेरी आवाज को और गरीब लोगों की आवाज को क्यों रोक रहा है। लेकिन एक दफा भी भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के अंदर जरा सी लिहाज नहीं आई कि गलती मानने के बावजूद बीजेपी सरकार को बाहर भी माफी मांगनी चाहिए थी लोगों से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और देश के किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि आधार कार्ड के नाम पर और किसी का राशन लोग ऑनलाइन का धंधा खोल रखा है। मैंने कहा है बीजेपी के मंत्रियों को कि ऑनलाइन के ऊपर तुम्हारे बीजेपी के कट्टुओं ने हर शहर में दुकानें खोल रखी हैं, जहां धंधा करते हैं कि दफ्तर में ना जाकर के हमारे पास आओ ऑनलाइन हम कराएंगे हमें पैसा दो। मैंने कहा तेरी मुख्यमंत्री की खिड़की दिन में हजार बार बिकती है, दरखास्त बनाते हैं गरीब आदमी बड़ी उम्मीद के साथ और वहां रिश्वत और पैसा लेकर के तेरी मुख्यमंत्री की खिड़की की रोज तोहीन होती है। लगत है तेरी सरकार के ऊपर जब इन सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हवा निकलती रही और उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो अभय सिंह चौटाला जी को उनके मुकदमों में राहत देने के लिए, उनके परिवार की निजी जिंदगी को राहत पहुंचाने के लिए और मुझे निकालने के लिए कोई कानून नहीं कहता, देश के किसी भी कानून में यह नहीं लिखा है कि आप किसी एक विधायक को जिसे उसके इलाके के 36 राज्य के लोग चुन करके भेजते हैं, आप एक वर्ष के लिए सदन की कार्यवाही से उसको निकाल दो, वो भी इसलिए कि वो गरीबों की आवाज उठा रहा है। हाँ मैं कोई मुद्दा गलत उठाता, मैं कोई ऐसी बात कहता जो ठीक नहीं थी, तो उनको हक है मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन एक वर्ष के लिए नहीं। कानून ये कहता है कि जो सत्र चल रहा है चाहे वो 15 दिन का है या 10 दिन का है, अगर कोई विधायक गलत बात कहता है तो आप उसे नियम कर दो, एक दिन की नियम निकाल दो, और बड़ी हरकत है तो बेशक पूरे सत्र के लिए आप निकाल दो। भारतीय जनता पार्टी की ये ऐसे गंदे लोगों की सरकार आज हरियाणा के और देश के अंदर चल रही है, गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, नौजवानों पे बेरोजगार करके घर बिठा लिया, कहीं नोटबंदी, कहीं जीएसटी, तमाम देश के टैक्स गरीब लोगों के ऊपर लाद करके आम आदमी का जीना हराम कर रखा है, बड़े धंधेबाज बड़े लोगों का हितों को सामने में लगे हुए, छोटे व्यापारी पलवल फरीदाबाद हकीन होटल जैसे शहरों में बैठे हुए छोटे व्यापारियों की चेहरों की रौनक चली गई, गरीब आदमी पेट पकड़ करके बैठा हुआ है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रेवाड़ी के अंदर पूरे हरियाणा को पढ़ाई में टॉप करने वाली लड़की के साथ 3 लोगों ने मुकाबला किया। आज तक बीजेपी सरकार की ये हिजड़ों की सरकार उन मुजरिमों को पकड़ नहीं सकी। हमारे यहां हमारे भाई कितने दिनों से
मंडियों में सड़कों के ऊपर बसें नहीं चलती, कॉलेजों के अंदर जाए तो अध्यापक नहीं, और कहीं जाए बीपीएल की दुकानों में वो मशीन नहीं जिसमें कार्ड डाल के और गरीब आदमी अपना सामान ले जाए। याद करो हमारे हुकूमत के दिनों को, हमें फख्र है इस बात को, किसान की जेब में हमारा माल पैसा हुआ करता था, मजदूर की जेब में होता था, दुकानदार की जेब में होता था, हर आदमी के चेहरे पे घुसारी थी, हर आदमी कहीं ना कहीं काम धंधा लगा हुआ था, हमने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, चाहे हमारा कोई विरोधी भी है। भाई ठीक है, हमारा इलाका है, हमारा प्रदेश है, भाई हमारे बच्चे हैं, खाओ कमाओ। इस सरकार ने कहीं धर्म का नाम छेड़ देते हैं, कहीं जातियों की आपस में लड़ाई शुरू करा देते हैं, कहीं कोई नई रोज साजिश लोगों के सामने खड़ा कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके बीच में लोकदल और बीजेपी के नेता अगर आए तो उनसे मेहरबानी करके ये पूछो, चार साल होने को आए कौन सा काम हमारे इस इलाके का किया है? हमारे कभी किसी गांव की सरपंच की ना मैंने जाति पूछी, ना उनकी पार्टी पूछी, ना उनसे कोई आगे आश्वासन मांगा कि मुझे वोट देना, केवल क्योंकि हमें अपने इलाके से प्यार है। चुनाव हारने के बाद भी इस इलाके के एक एक गांव में जाकर के हर पंचायत को बिना मांगे पैसा दिया, और जितना हमसे बना हमने अपने इलाके के बेरोजगार बच्चों को सरकार के अंदर नौकरियां दी, रेलों के पुल बनाए, जिला सचिवालय बनाए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर महाविद्यालय बनाया, जहां सबसे बड़ा किसान भवन बनाने जा रहे थे, नौजवानों के लिए सबसे बड़ा स्टेडियम हरियाणा का भुगेरा में बनाने जा रहे थे, पलवल की भीड़ को खत्म करने के लिए इस मार्केट को ट्रैक्टर मार्केट को बहाते जा रहे थे, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, दलित समाज, पिछड़े वर्ग, सबके लिए हमारे जो सपने थे, आपकी मेहरबानी को सरकार हरियाणा में बन जाती तो आज ये पलवल का इलाका तमाम हरियाणा के अंदर हर चीज में अव्वल और एक नंबर पे नजर आता। और आज बीजेपी ने हमारा माहौल बना रखा, गांव के सरपंचों की इतनी बुरी हालत है, सरपंच ऐसे भागे फिर रहे जैसे पिकने में आवे नाई, लाखों रुपए खर्च कर रहे सरपंची हासिल की, कोई मुर्गे बना करके गांव को लुहा रहा था, कोई दारू बेच के, कोई झंडा बजा के, कोई कथा करके, कोई हलवा खिला के, और सपने ले रहे थे कि जैसे कांग्रेस के राज में, हुड्डा जी के राज में जिस तरीके से मौज थी उससे भी ज्यादा मौज आएगी। लेकिन उन बेचारों की ऐसी हालत रखी है, कहीं तो अपनी धरती बेच बेच करके गाँव में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी ये हैसियत हरियाणा में बनी हुई है। तो मैं बातें तो बहुत ज्यादा हैं, मैं आपकी अदालत में इसलिए आया हूं कि मेरे ऊपर पहले भी बहुत जुल्म ज्यादती चौटाला परिवार ने की, लेकिन मेरा इलाके के मालिक बैठे पूछ लेना, मैंने कभी इस पलवल में प्रदर्शन भी नहीं कराया उनके खिलाफ। आपका आशीर्वाद और आपकी मेहरबानी मेरे लिए बहुत है, आपकी आशीर्वाद और मेहरबानी मेरे ऊपर बनी रहेगी, मैं आप लोगों को सड़कों पर नहीं बताने दूंगा, इस ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की वो जुड़क की हरियाणा की ये विधानसभा के अंदर कोई भी बोले बैठ जा, तने देख लूंगा, कोई बैठ जा, तने देख लूंगा के है तू। अरे भाई तू किसी गांव की चौपाल के ऊपर मेरे सामने बहस के लिए आ, अपने डिग्री साथ लेके आ, तू कितना बड़ा लिखा है, शर्म आती है हमें ये कहने में। और मैंने चंडीगढ़ की प्रेस में अभी तो इनके आधे कारनामे मैंने छुपा रखे, ये वैसे ही चौटाला का जो सर्टिफिकेट है वो नकली है, ये दसवीं के करीब पढ़ा हुआ है और झूठे सर्टिफिकेट लेकर के एजेंसी में दाखिला लिया, और जब वो बात खुली तो वहां से एडमिशन छोड़ करके आ गया। तो ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र किसी की बात नहीं है। अगर अभय सिंह चौटाला जी जो बार बार कहते हैं
मेरे दादा को गाली दी मुझे दे देता, मेरे बाप को दे देता कोई बात नहीं, मेरे दादा को गाली दी है जनरल आर्मी। सारी विधानसभा की कार्यवाही में हर चीज गिरफ्त है, वीडियो में मेरे फोटो सारे अखबार वाले कहां है, चौधरी देवीलाल जी का तो आपको जिक्र भी नहीं आया था। और फिर चौधरी देवीलाल जी को हम गाली क्यों देंगे, हमारे बुजुर्ग था चौधरी देवीलाल, देवीलाल को अगर कलंकित किया तो इस अभय सिंह चौटाला ने उनको कहा चौटाला ने किया। और याद करो उन दिनों को जब घड़ियों की चोरी में उनको कहा चौटाला पकड़ा गया था, तो चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे देश के, उन्हें बयान दिया कि ये उनको कहा चौटाला मेरी और आप नहीं है। तो मैंने चंडीगढ़ की प्रेस में कहा कि चौधरी देवीलाल जी को अगर कलंकित किया तो अब ऐसे चौटाला ने भी उसके परिवार ने किया। हमने चौधरी देवीलाल जी के बारे में कोई अपशब्द ना पहले कहे और ना चौधरी देवीलाल जी के बारे में कोई अपशब्द हम आप तक कह रहे हैं। और बड़ी शर्म की बात, इनका नेता वहां मेरे सर में गोली मारने की बात कर रहा है और इनके वो हमारे इलाके के हमारे भाई भतीजे ही हैं, मैं उनसे तो अक्सर नहीं बोलूंगा, वो गोली नहीं मार सका तो मेरे इलाके के 12 बच्चे कोई टिकट के लालच में है या ना जाने कोई क्या सामने ले रहा है। गरीबों की आवाज उठाने की सजा मेरे ही अपने इलाके में, मेरे इलाके के मेरे भाई भतीजे मेरे सबकी बाकायदा कमी उतार करके पूरी वो जो सब यात्रा वो हंडिया भी ले रही तो हंडिया भी लेकर के मेरे इलाके के मेरे भाई। अरे भाई तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम उनसे अपने नेता से कहो भी तू कर क्या रहा है, और अगर मैंने कोई गलती की है तो ये मेरे इलाके के आदमी मेरे से कहते भाई करण तुमने गलती की है, अगर मैंने गलती की होती तो मैं आपके सामने कह रहा हूं गलती इंसान से हो जाती है, माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन समझ में आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो देख रहे थे कि मैंने वहां सवाल लगाया कि जो कर्मचारी नौकरियों में जिनकी मृत्यु हो जाती है तो भाई उनके बच्चों को आप तनख्वाह देते हैं समय में तो वही सरकार में नौकरी दे दो। ये काला कानून भी छुटा देने की सरकार ने बनाता है, इस बात की उसे तकलीफ थी कि भी मैंने ये मुद्दा क्यों उठाया और मेरे मुद्दे के उठने के बाद सरकार को मजबूर होकर के जवाब देना पड़ा। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अब ये सरकार जिन लोगों की मौत नौकरी में चलते हुए हो जाती है मेरे सवाल उठाने के बाद इन्होंने माना है कि नहीं हम दोबारा से उनको नौकरी देना शुरू करेंगे। मैंने नंबरदारों का मुद्दा उठाया, आपने अखबारों में पढ़ा होगा नंबरदारों के पदों को समाप्त करने लगे हुए थे, कहीं उम्रदा शर्त लगा रहे थे कि 70 साल से, मगर देश का प्रधानमंत्री 87 साल का बन सकता है, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री 80 साल से ज्यादा का नहीं बन सकता है, नंबरदार 70 साल से ज्यादा का नहीं बन सकता। तो इनकी घेराबंदी हर तरीके से जब वहां होने लगी तो ये छोटी हरकत करके इन्होंने मेरे इलाके की, हाँ मैं ये भी कहता हूं इस बात को, अगर कोई निजी तौर पर मेरे साथ अगर कोई किसी भी तरह की हरकत करे तो मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से इस इलाके में मेरे से तो सब बड़े बड़े हैं, मेरे से तो बड़े बड़े गुणवायती, मेरे से बड़े बड़े धीम, मेरे से बड़े बड़े हर चीज में इस इलाके में भगवान ने लोगों को बसा रखा है, मेरे ऊपर तो 36 राज्यों की कृपा है, आपकी मेहरबानी है तो मुझे आपने वहां भेज रखा हूं, मैं क्या हूं, तो अगर कोई मुझे गाली दे मैं उसका मैं नहीं मानूंगा, लेकिन सवा दो लाख लोगों के नुमाइंदों को विधानसभा के अंदर जूता दिखा करके और गाली दे करके
ये दो पैसे के अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर ये साबित करना चाहिए क्योंकि झूठी के आगे पलवल विधानसभा के समाज लोग मायने नहीं रखते, तो मैं इनकी हैसियत दिखा करके इनको ये बता दूंगा रहे हैं, मुजरिमों को निकाला जा रहा है जो हत्या में शामिल थे
और ऐसा जो इन्होंने तमाशा बना रखा है उसके लिए मेरे बुजुर्ग भाइयों, मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि आपके आशीर्वाद को लेकर के, और एक मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं 23 तारीख को सिरसा में जाऊंगा, पलवल का कोई नौजवान कोई बुजुर्ग कोई भाई मेरे साथ नहीं आएगा वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इनकी लड़ाई मैंने पहले भी लड़ी है, इनकी लड़ाई आज भी लड़नी है, आगे भी लड़नी है, लेकिन अगर यहां से मेरे साथ कोई वहां पहुंच गया तो उनके हौसले बढ़ेंगे कि डर के माने और अपने इलाके के आदमियों को लेकर के आया। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि इस 2 पैसे के गुंडे की औकात देखने मैं सिरसा जा रहा हूं, मेरा समय गोली मारेगा। यहां मैं तो आपसे एक ही विनती करता हूं, हमें अगर आगे बढ़ना है अपने बच्चों को पढ़ा देता हूं, हमारा इलाका पढ़ाई में सबसे पीछे है। कोई भी घर में पैसे ना हो मौत हो जाती है जो कथा करेंगे, और फिर खर्चे करने में हम लगे हुए हैं, मेहरबानी करके इन खर्चों को बंद करो, और जो पैसा आपके पास है माँ बाप के नाम पर दान को भी जरूर करना चाहिए, गौशालाओं में दे दो, कोई और गांव में गरीब है उसको दे दो। ये मौत के भोजन ये और इनको क्यों हम अपने समय पैसे को खराब कर रहे हैं। मौत चाहे 100 साल के आदमी की हो, मौत तो दुख का कारण है, मौत जश्न का कारण नहीं हो सकता। तो मैं अफवाहें यहां बहुत चलती रहती हैं, किसी अफवाह में फंसाना, मेरी कोई अगर बात आपके पास आती है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। करुण सिंह दलाल ने कहा है कि 23 तारीख को सिरसा में जाए, मेरे इलाके से मेरे साथ कोई ना पहुंचे, मतलब मेरी ही तोहिन होगी, इलाके से तोहिन होगी, कि डर के मारे वो लोगों को लेकर साथियों को लेकर आए, साथ साथ पके नहीं जाना चाहते हैं, पके नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जो हमारे सपने हैं कि हम अपने इलाके को हरियाणा में नंबर 1 पर लेकर के जाएंगे, हम अपने इलाके के नौजवानों को रोजगार और उनके कारोबार को बढ़ाने में बनाने में उनकी इमदाद और मदद करेंगे, गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों का सहारा बनेंगे, शरीफ और भले आदमियों का सहारा बनेंगे। तिगड़मबाज और गुंडों से हमारी यहां की लड़ाई है, हमारी चंडीगढ़ की लड़ाई है, इसलिए हमने अपने इलाके को एक अच्छा इलाका बनाना है। नफरत और ईर्ष्या की बातों को हमें आगे नहीं बढ़ाना। मेरी मजबूरी थी, अगर मैं वहां ऐसा बर्ताव ना करता जैसे को तैसा, वो जब बोलता था तो मैं उसका जवाब देता, अब इतनी बड़ी सभा में वो आप अखबारों में पढ़ चुके हैं, मैं उनको बार बार दोहराता अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर उस दिन मैं डरते मारे चुप बैठ जाता या शर्म के मारे जो मैं पढ़ा लिखा हूं और ये तो अनपढ़ है गुंडा है और पढ़ा लिखा है तो इसके मुंह क्यों लगता है, तो इस हरियाणा में पलवल के नाम की मिसाल बन जाती है। ये अपना अपना जन्म भरते थे, एक डांट में जूती क्या लिखाई पूछ दबा करके बाहर आए वहां, और ये हमारे लोकदल के जो तकरीबन कम जैसे इनके नेता 10वीं पास हैं, ज्यादातर लोकदल के अंदर आपने देखा होगा वही 10वीं पास के करीब, यानी अगर सरकारी नौकरी लोकदल का कोई कार्यकर्ता मांगे तो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से वो चपरासी की पोस्ट का हकदार है। अगर इस अभय सिंह चौटाला पर कोई कहे कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई और डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी मांग तो ये 10वीं वो भी नकल से पास है, ये चपरासी से बड़े पद का नौकरी दरखास्त नहीं दे सकता। सारे दुनिया में जितने अपराध हैं मेरे से कहा सब में गोली मारेगा, मैंने चंडीगढ़ में कहा हाँ भाई इसे सब में गोली मारने की आदत है, क्योंकि जो इसकी पहली बीवी थी सुप्रिया उसे सब में गोली मारी, मुकदमा हत्या का दर्ज हुआ था, चौधरी देवीराज जी ने जब कैसे कैसे रफा दफा करके इसकी जान बचाई थी, फिर उसकी बहन से शादी की, महन के अंदर अमीर सिंह चौधरी देवीराज जी ने पैर दबाया करता।
करता था जब तक सो जाते थे, सोते सोते पेड़ दबाया करता था। इन्हें लगा कि महंग का चुनाव जीत नहीं पाओगे, इसलिए आमिर सिंह हमारा विश्वास का घरता आदमी है, इसका मरण मरवा दो और जरूरत पड़ेगी इलेक्शन को टलाने की तो इसको गोली मार देंगे। और वही हुआ, महंगाई इलेक्शन जब हारने लगे तो आमिर सिंह जो चौधरी देवीलाल जी के पैर दबाया करता था, उनका अन्ना भगत था, उसका फार्म भरवा करके इलेक्शन डालने के लिए उसके भी सर में गोली मारी। और नारायण इस हरियाणा में कितने अपराधों में ये अभय सिंह चौटाला, जब चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, बंबई के अंदर जुआ खेलने के लिए गया, दाऊद के ग्रुप से जुआ खेल रहा था, जुआ हार गया, आपने उन्होंने अखबारों में पढ़ा होगा, और वहां से निकल आया कि मैं पैसे भिजवाता हूं, यहां आके मुकर गया, मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूं, चौटाला हूं मैं, पैसे वैसे कोई नहीं है। दाऊद के गुंडों ने ओम प्रकाश चौटाला से बात की कि तेरी गुंडागर्दी और तेरी मुख्यमंत्री नजर नहीं आएगी, जो वायदा किया पैसे भेज दे बना तो देश में तेरी पता नहीं चलेगा तो कहां का मुख्यमंत्री, कहां का चौटाला, कहां गया। ओम प्रकाश चौटाला सरकारी जहाज लेकर के और वो पैसे लेकर के इसकी जान छुड़ाने के लिए बंबई गया और दाऊद गुरु को पैसे देकर के आया। कौन से गुनाह, कौन से ऐसे अपराध हैं ये हमारे जैसे लोगों को चुनौती देते हैं। जिस इलाके में राजा नाहर सिंह जैसे राजा पैदा हुए, जिन्होंने रजवाड़ा देश के नाम पर छोड़ करके अंग्रेजों के सामने फांसी का फंदा चुनना पसंद किया, जहां राजा काना धर्म के लिए जिंदा दफन हो गया, जहां हमारे इस इलाके के लाखों कितने हमारे भाइयों ने आज भी फौज में हर उसमें, कहां हमारे इलाके के भाइयों ने हर बिरादरी के लोगों ने कसर छोड़ी है। और आज हमारे इलाके के तो रजवाड़े छोड़कर भी हम कुछ नहीं बन सकते। हमें बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का राजा नाहर सिंह के नाम रखवाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है, और ये हमारे बीच में कब आते हैं, जब इलेक्शन होगा, अरे खड़े और पता नहीं खड़ी बोली बोल करके समझते हैं कि हम कितने नहीं जा रही, और हमारे भोले वाले लोगों को बहका करके चुनाव में फायदा उठा जाते हैं। मैं आपसे और लोकदल के लोगों से पूछना चाहता हूं, 14 साल के करीब जो देवीलाल और चौटाला जी का इनकी हुकूमत रही है, हमारे जिले का एक काम करवा दें, एक काम करवा दें जो हमारे इलाके के सम्मान में किया हो। हमें ना अपना नेता मानने के लिए तो इन्होंने तो हमें उजाड़ा है, पुराने फरीदाबाद को फकीराबाद बनाया, पलवल को जिला ना बनने बनाने के लिए नूप में हतीम को जोड़ा, कौन सी जाति हमारे साथ इन्होंने नहीं की, यहाँ रेलों के पुल बने, कॉलेज बने, ये जिला सचिवालय बने, आप इस इलाके की मेहरबानी से बने, जो हमारे ना पहले सगे हुए, जो हमारे ना आज सगे हैं, ना कभी हमारे आगे सगे होंगे। और फिर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, तब तक हमारे बाल बच्चे टिकट मारने नहीं, अपनी जिंदगी गुजारने नहीं चाहे हरियाणा में, हम टिकट नहीं मार सकते। जैसे हमारे इलाके के बाल बच्चे दूसरे दलों में, अब लोकदल की हालत यह है कि टिकट के नाम पर भिखारी जैसा बना रखा है, रोज उन्हें पशु की तरह जोतते हैं, तुझे दूंगा 15 उम्मीदवार बना रखे हैं, और सबका तमाशा देखते हैं, हंसते हैं बैठ के कि भाई अच्छे मुहूर्त मिले हुए। हमें इस इलाके में ऐसे नेता पैदा करने होंगे जो टिकट उनके धन चल करके आए, इनकी तरह भिखारी नहीं बनने देना हमें अपने इलाके के बच्चों को। हमें इस हरियाणा में वो हालात बनाने होंगे कि हमें किसी के आगे याचना नहीं करनी पड़ेगी कि हमारे इलाके का हाकम है, तो हमारे इलाके के 36 बिरादरियों का खौफ और डर, उनको ये एहसास होना चाहिए कि अगर ये इलाका खराब हो गया, अगर ये इलाका नाराज हो गया, तो तुम्हारी राजनीति हरियाणा के अंदर नहीं चलने देंगे। बाबरनामा निकाल करके पढ़ो, अकबरनामा, अकबरनामे में सम्राट अकबर ने अपनी आने वाली संतानों को एक सलाह दी थी कि दिल्ली के ये 50-60 किलोमीटर में रहने वाले लोगों से, 100 किलोमीटर तक रहने वाले लोगों से इनको प्रजावाद समझना,
इनको भाई समझना, इनको बराबर की हैसियत का इंसान समझना अगर अपनी हुकूमत आगे चलानी है। अकबर जैसे बादशाह वो तो अपनी संतानों को यह सलाह देते रहेंगे कि दिल्ली के चारों तरफ बसे लोगों को प्रजा मत समझना, भाई समझना। और ये दो पैसे के गुंडे सारे के सारे अनपढ़ तमाम अपराधिक प्रवृत्ति के जितनी हत्याएं की है, जितने इन्होंने काले कारनामे किए, ये दिल्ली के चारों तरफ बसे लोगों को अपनी जागीर समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमको इनकी दया है। तो बातें बहुत ज्यादा थी और मैं बार बार माफी मांगता हूं। इतने बड़े बड़े हमारे इलाके के यहाँ जो पंच भी आए हैं, नेता भी आए हैं, आज मैंने ही अकेले आपके सामने बात रखी, बहुत अपमान चलेगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैं मानता हूं परमात्मा को और आपके आशीर्वाद को, आपका इस आशीर्वाद इतना कमजोर नहीं है जो इस तरह के कट्टुओं के सामने कोई हमारे को मिला दे। और वो दिन दूर नहीं, इस हरियाणा के अंदर आपकी हुकूमत बनेगी। कह देते हैं कांग्रेस में तो बड़ी लड़ाई है, ये चौटाला परिवार में कितनी लड़ाई है बताया आपको? दोनों लड़के अब ऐसे ही चौटाला के कार्यक्रम में नहीं जाते, इतना जबरदस्त झगड़ा चल रहा है कि ये पिस्तौल और रिवॉल्वर दिखाने की नौबत, बल्कि मैंने तो बयान दिया कि ये मेरे सर में मारने के लिए नहीं, अपने भतीजों के सर में गोली मारने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि घर में भी अभी से कोई पसंद नहीं करता है कि ये मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं। और बीजेपी में कहां लड़ाई नहीं है, हर पार्टी में, हमारी पार्टी में सबको अधिकार है। अब हमारे प्रधान कर रहा है इलाके में घूम कर दे गए, अच्छी बात है, हम उधर लगे हुए हैं, वो यहां लगे हुए हैं, लेकिन आने वाली हुकूमत इस हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बनेगी और कांग्रेस की हुकूमत में हुकूमत बनेगी जो पलवल के इलाके की बनेगी। और जो आपका पिछले सालों का कर्ज मेरे सर के ऊपर जो ब्याज लगा करके चढ़ा हुआ है, मैं इस भरी पंचायत में आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है, इनके जो अच्छे दिन नहीं आए बीजेपी वालों के, हमारे और आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। कोई गलत बात निकली हो तो मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं और आपका आशीर्वाद लेकर के इस हरियाणा की इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में मैं आज यहां से निकल रहा हूं और आपके पास तब आऊंगा जब हरियाणा के अंदर डंका बजा करके आपको भी आवाज आएगी कि भाई मेरे पलवल इलाके का विधायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। श्री करण सिंह दलाल विधायक कांग्रेस पंजाबी धर्मशाला में हूँ। संबोधन करते हुए स्रोतों के साथ मैं चिकित्सा धन्यवाद।